हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। मैं आपके लिए इंश्योरेंस से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड और ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूं जो डेली लाइफ में आपके लिए यूजफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पे पा सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई नया या फिर पुराना व्हीकल खरीदने जा रहे हैं और आप उसे फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी से आप कैसे अपने व्हीकल को फाइनेंस करवा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सी कंपनीज हैं जो व्हीकल्स को फाइनेंस करती हैं, लेकिन श्रीराम का प्रोसेस थोड़ा सा आसान है और आसानी से आप अपने व्हीकल को फाइनेंस करवा सकते हो, चाहे आप नया व्हीकल खरीद रहे हैं या फिर पुराना व्हीकल खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स, श्रीराम फाइनेंस से अगर आपको व्हीकल फाइनेंस करवाना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज होंगी, लोन प्रोसेस से लेकर लोन सेटलमेंट तक सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि श्रीराम फाइनेंस से आप अपने व्हीकल को कैसे फाइनेंस करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप दोपहिया वाहन खरीदने जा रहे हैं, कोई प्राइवेट कार खरीदने जा रहे हैं, आप कोई कमर्शियल व्हीकल खरीदने जा रहे हैं, टैक्सी खरीद रहे हैं, पिकअप गाड़ी खरीद रहे हैं, ट्रक खरीद रहे हैं, किसी भी प्रकार का व्हीकल नया या फिर पुराना आप खरीदने जा रहे हैं, तो श्रीराम फाइनेंस से आप उस व्हीकल को फाइनेंस करवा सकते हैं, उस व्हीकल पे आप लोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नया वाहन खरीद रहे हैं या फिर पुराने वाहन को ही फाइनेंस करवा रहे हैं, या फिर पुराना वाहन खरीद के उसको फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लोन की अप्रूवल लेनी होगी। तो लोन की अप्रूवल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूं। तो जिसके नाम पे लोन लेना है उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड, और अगर नया वाहन ले रहे हैं तो वाहन के लिए कोटेशन लेनी होगी, और अगर पुराना वाहन ले रहे हैं तो वाहन की आरसी और इंश्योरेंस चाहिए होगी, और लोन लेने वाले का मोबाइल नंबर मैंडेटरी है ताकि ऑनलाइन अप्रूवल का ओटीपी मोबाइल पे आ सके। तो फ्रेंड्स, ये है इनिशियल प्रोसेस। सबसे पहले हमें लोन की अप्रूवल लेनी होगी। जब लोन की अप्रूवल आ जाएगी तो उसके बाद आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फिर से देने होंगे, जिसमें आधार और पैन शामिल रहेंगे। उसके बाद रेजिडेंशियल प्रूफ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर फोन बिल आप दे सकते हैं जो 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा आपको 4 सिक्योरिटी चेक देने पड़ेंगे, और इसके साथ ही बैंक की स्टेटमेंट देनी होगी जो पिछले 6 महीने की होनी चाहिए, और अगर आपने पिछले 6 महीने के दौरान अपने अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है तो सिंपली आप उस दिन में पैसे जमा करवा के, पैसे निकलवा के एक ट्रांजैक्शन करके उस स्टेटमेंट का प्रिंट लेके दे सकते हैं। उसके साथ ही बैंक के द्वारा साइन वेरिफिकेशन का एक लेटर होता है, आपको अपने जो सिग्नेचर हैं वो बैंक से वेरीफाई करवा के देने पड़ेंगे, और लैंड प्रूफ जिसे हम खतौनी भी कहते हैं वो भी चाहिए होगी। इसके साथ ही आपको एक गारंटर चाहिए होगा जिसके नाम पे कोई भी गाड़ी हो, और उस गाड़ी की वैल्यू लोन अमाउंट के बराबर होनी चाहिए, और इसके अलावा गारंटर के नाम पे जो गाड़ी है उसकी आरसी भी चाहिए होगी। इसके साथ ही गारंटर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आधार और पैन कार्ड होंगे, और इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी या फिर फोन का बिल और एक रेजिडेंस प्रूफ भी चाहिए होगा। इसके बाद लोन लेने वाले की 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी और गारंटर की 1 पासपोर्ट फोटो चाहिए होगी। ₹250 के स्टैंप पेपर लोन लेने वाले के नाम पे आपको इश्यू करवाने होंगे। जो स्टैंप पेपर का अमाउंट है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस समय कंपनी की पॉलिसी क्या है। तो मिनिमम आपको ₹250 के स्टैंप पेपर तो लेने ही पड़ेंगे। अगर आप पुराना व्हीकल फाइनेंस करवा रहे हैं तो आपको आरसी और इंश्योरेंस पॉलिसी पे श्रीराम फाइनेंस का नाम एंटर करवाना होगा, और नए व्हीकल को अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसकी भी जब आरसी बनेगी तो उसकी आरसी पे भी आपको श्रीराम का नाम एंटर करवाना होगा, और इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी श्रीराम फाइनेंस का नाम आपको एंटर करवा के श्रीराम फाइनेंस कंपनी को देना होगा। और अगर व्हीकल ट्रांसफर का केस है तो इंश्योरेंस में ओनरशिप और फाइनेंसर की एंडोर्समेंट करवा के आपको देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें कितना लोन मिल सकता है, लोन अमाउंट कितना रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो पुराने व्हीकल होते हैं उनमें व्हीकल की जो इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है, सिंपल शब्दों में कहें तो इंश्योरेंस वैल्यू जो होगी व्हीकल की, उसका अधिकतम आपको
80% तक लोन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें नए व्हीकल की तो बिलिंग अमाउंट का 10% से लेके 25% तक आपको मार्जिन मनी के रूप में देना पड़ेगा। ये एडवांस पैसा आपको 10% से लेके 25% देना पड़ेगा, बाकी का अमाउंट जो है वो लोन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपसे और आपके गारंटर से श्रीराम फाइनेंस कंपनी एक लोन एग्रीमेंट की फाइल साइन करवाएगी। उस फाइल को साइन करने के बाद आपके लोन डिसबर्समेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपकी फाइल ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में अप्रूव हो जाएगी और 48 घंटे के भीतर आपके अकाउंट में लोन का अमाउंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, लोन लेने के बाद बात आती है इंस्टॉलमेंट की। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आपने लोन कितने समय के लिए लिया है और लोन पे आपके कितने परसेंट IR यानी कि इंटरेस्ट रेट लगाया है और लोन का अमाउंट क्या है। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट जो होता है नए व्हीकल के केस में कम होता है, जबकि पुराने व्हीकल के केस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपकी इंस्टॉलमेंट को सुनिश्चित किया जाता है कि आपके जो लोन अमाउंट पे कितनी IR लगाई गई है, कितनी उसकी टर्म है और कितना आपने पैसा लिया है। तो फ्रेंड्स, जब आपका लोन पूरा हो जाता है, लोन पूरा होने के बाद आपको कंपनी 35 नंबर एक फॉर्म इशू करती है जिसे आप अपने RTO में जमा करवा सकते हैं और अपनी RC से हाइपो को कैंसिल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लोन लेने से लेके RC पर से लोन की एंडोर्समेंट हटाने तक का सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें लोन लेने से लेके लोन सेटलमेंट तक का सारा प्रोसेस आपने जाना। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंश्योरेंस से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड या फिर व्हीकल फाइनेंस से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहें तो वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।